दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जालंधर। ऊना शहर में नियमों को ताक पर रखकर कई ऑटो दौड़ाए जा रहे हैं। पंजाब नंबर के ये वाहन बिना दस्तावेज सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन इन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं। शहर में करीब 80 ऑटो ऐसे बताए जा रहे हैं जो नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन या फिर आरटीओ कार्यालय की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। हालांकि शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की गई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। ऐसे में ऑटो यूनियन के सदस्यों में भी रोष पनप गया है। बता दें कि चंडीगढ़ में करीब 2 साल पहले तेल से चलने वाले ऑटो के स्थान पर सीएनजी ऑटो आ गए थे। यही पुराने ऑटो अब ऊना में उधम मचा रहे हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ऑटो खरीदने वालों ने खरीदारी के लिए विभागीय परमिशन लेना उचित नहीं समझा, जबकि कोई भी पैसेंजर व्हीकल खरीदने के लिए विभागीय परमिशन अनिवार्य होती है। बताया जा रहा है कि इन ऑटो का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है और न ही सालाना टैक्स चुकाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ऊना ऑटो यूनियन के सदस्य सरकार को बकायदा टैक्स की अदायगी भी कर रहे हैं। ऑटो यूनियन ऊना के प्रधान हैप्पी कुमार, धर्मपाल, बालकृष्ण, भाग सिंह, संजीव जीवन, देशराज, चैन सिंह, धर्मपाल, बलविंदर सिंह, रंजीत सिंह, राम कुमार, अमरीक सिंह, सुच्चा सिंह, राम सिंह, संतोख सिंह, रक्षपाल सिंह ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पंजाब के जो डीजल ऑटो पैसेंजर जो पंजाब में मोहाली और चंडीगढ़ में बंद कर दिए सरकार ने, वो सारी गाड़ियां ऊना में आ गई हैं। इस समय ऊना में कम से कम 100-150 से ऊपर पंजाब की 365 नंबर डीजल ऑटो रिक्शा हो गए, जिसके कारण हम टैक्स देने में भी असमर्थ हैं। इसके लिए हमने एसपी साहब जी को 2-3 बार मिले और प्रशासन से भी आरटीओ साहब से मिले, लेकिन इसके कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? प्रशासन से हम डिमांड करते हैं जो ऑटो रिक्शा डीजल ऑटो रिक्शा पैसेंजर बिना डॉक्यूमेंट, जिनका जिनके पास कोई परमिट, कोई शोर और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बिना RC के जहाँ पर चल रहे हैं, बिना परमिट के चल रहे हैं, उनको बंद किया गया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट। मैंने इंजीनियरिंग में, मैंने लॉ में, मैंने फार्मेसी में, मैंने नर्सिंग में, मैंने होटल मैनेजमेंट में, मैंने फैशन डिजाइनिंग में, मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में, मैंने फिजियोथेरेपी में, हम सब ने एडमिशन लिया है सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जालंधर। सबसे अच्छी प्लेसमेंट और सबसे अच्छे पैकेज मिलते हैं सिर्फ सेंट सोल्जर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। आप भी आज ही एडमिशन लें या कॉल करें 9814003652।